हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बाबा राम रहीम हमेशा ही साध्वियों से घिरा रहता था, लेकिन इन साध्वियों में कुछ को वो अपने बेहद करीब रखता था। हिसार में बाबा के डेरे यानी डेरा सच्चा सौदा में करीब 400 साध्वियां हमेशा बाबा के साथ रहती थीं। इनमें करीब 200 साध्वियां ऐसी थीं जिन्हें बाबा ने सद्ब्रह्मचारी साध्वी का दर्जा दे रखा था। ये साध्वियां ज्यादा पढ़ी लिखी, जवान और खूबसूरत थीं, जिन्हें बाबा हमेशा अपने पास रखता था। यह साध्वियां 24 घंटा बाबा के खाने पीने, उठने बैठने, नहाने धोने का इंतजाम करती थीं। जबकि बाबा ने जिन 200 साध्वियों को सिर्फ ब्रह्मचारी साध्वी का दर्जा दे रखा था, उनसे वो थोड़ी दूरी बनाकर रहता था। गर्ल्स स्कूल से शुरू होता था खेल। हिसार के अपने डेरे पर बाबा राम रहीम ने अपने भक्तों की लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल भी खोल रखा है, जो बाबा की रहने वाली जगह यानी आश्रम की गुफा के बिल्कुल करीब है। बाबा के भक्त रह चुके लोग बताते हैं कि असल में बाबा इसी गर्ल्स स्कूल से ही लड़कियों के शोषण की शुरुआत कर देता था। साध्वियां स्कूल के दिनों से ही लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें बाबा के करीब लाने और परोसने के जुगाड़ में लग जाती थीं। और तो और हर साल 15 अगस्त को अपने जन्मदिन पर बाबा इसी स्कूल में अपने साध्वियों और छात्राओं के साथ ऐसा डांस करता था जिन्हें देखने की इजाजत लड़कियों के घर वालों को भी नहीं थी। भगवान कृष्ण का देता था हवाला अपनी साध्वियों के यौन शोषण के लिए। बाबा भगवान कृष्ण का हवाला देने से भी बाज नहीं आता था। वो कहता था कि जब भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं। बाबा के इस बोल वचन का जिक्र न सिर्फ खुद उस पीड़ित लड़की ने अपनी शिकायत में थी, बल्कि खुद बाबा के साधक रह चुके लोग भी करते हैं। महंगे कपड़े, आलीशान गाड़ियां, चौपर। बाबा को कैसे कैसे महंगे और शानदार कपड़ों का शौक था, वो उसकी किसी भी तस्वीर में देखकर ही आसानी से समझा जा सकता है। गाड़ियों के लिए बाबा का लगाव सबसे अलग था। यही वजह है कि राम रहीम के बीड़े में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बेंटले, फरारी, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर समेत महंगी और शानदार गाड़ियों की इतनी बड़ी फ्लीट है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। राम रहीम ने हिसार के अपने आश्रम में कार डिजाइन की यूनिट तक लगा रखी है। निजी इस्तेमाल के लिए बाबा के पास अपने हेलीकॉप्टर भी हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।